सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K Academy और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K Academy के वीडियोज में और मैं हूं भगवत दांगी। हम बात कर रहे हैं MPSI 2017 के कट ऑफ के बारे में। देखिए, शायद आपको लगा होगा कि जब पेपर ही नहीं अभी हुआ है तो कट ऑफ को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन हमने किया है, ये किया है MPSI 2016 के कट ऑफ के आधार पर। यहां दो बातें आपको समझने की आवश्यकता है। पिछली बार के आधार पर कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन हमने किया है, क्योंकि कट ऑफ जो डिपेंड करता है दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो पिछली बार जो नंबर ऑफ पोस्ट थी 2863 थी। यदि पोस्टें ज्यादा होती हैं तो जो कट ऑफ होता है वो कम हो जाता है, और यदि पोस्टें कम होती हैं तो फिर जो है कट ऑफ जो है बढ़ जाता है। उसके अलावा दूसरा जो बिंदु है जिस पर कट ऑफ जो होता है निर्धारित होता है, वो होता है कि भाई आखिर जो पेपर का लेवल था वो कितना था। यदि पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ नीचे आ जाता है, और पेपर का लेवल जब यदि अगर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, यानी पेपर सरल आ जाता है, तो जो कट ऑफ हो जाता है वो हाई हो जाता है। तो इन्हीं बातों को हमने ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ तैयार करने की कोशिश की है। पूरे वैज्ञानिक तरीके से हमने इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये पिछली बार का जो पेपर आया था उसी लेवल का पेपर यदि आता है, जितना टफ पिछली बार था उतना टफ या जितना सरल पिछली बार था उतना ही सरल पेपर आता है, तो कट ऑफ क्या रहेगी। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप अपनी तैयारी के लिए अंदाजा लगा सकेंगे कि आपको कम से कम कितने अंक लाने होंगे ताकि आप जो है फाइनल सिलेक्शन में जगह पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, हमने यहां कैटेगरी वाइज इसको बांटा हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी है जिसे जनरल के नाम से जाना जाता है, ओबीसी, एससी और एसटी। इसमें दो वर्ग हैं। पहला वर्ग है ओपन, यानी कि जिसमें महिला और पुरुष दोनों ओपन पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें भाग लेते हैं। फिर फीमेल्स, सिर्फ फीमेल्स के लिए किया है। उसी तरीके से कैटेगरी वाइज सबको हमने डिवाइड किया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जो कट ऑफ है। दो राउंड की कट ऑफ को हमने काउंट किया है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ। ये जो कट ऑफ हमें प्राप्त हुई है, पिछली बार जो MPSI 2016 का पेपर हुआ था उसका व्यापम की वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है, यानी पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ये व्यापम ने खुद बताया कि भाई ये कट ऑफ गया था। फर्स्ट राउंड का मतलब ये है लिखित परीक्षा में कितने कम से कम अंकों के बाद बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और एग्जाम के लिए, यानी कि फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ आई वो ये थी। पिछली बार जो था इंटरव्यू भी था 10 नंबर का, तो साक्षात्कार था 10 नंबर का, तो उसको जोड़ने के बाद ये फाइनल कट ऑफ हमारी तैयार हुई थी। तो अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे कैसे आपको कितने अंक लाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन में आप भाग ले रहे हैं, ओपन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो फर्स्ट राउंड में जिनके 163 अंक थे, ये जो अंक कहां से लिए हैं, ये हमने सूबेदार के अंक, ध्यान दीजिएगा किसके अंक है ये, सूबेदार के। सूबेदार के अंक क्यों लिए, क्योंकि पिछली बार सर्वाधिक जो पोस्टें थी या सबसे ऊंची पोस्ट जो थी वो सूबेदार ही सबसे ऊंची पोस्ट थी, तो सबसे हाई लेवल का भी लिया है। यहां पर आप देख रहे होंगे दो कैटेगरी हमने आपको बताई है, एक तरफ का ये है, दूसरी तरफ ये सबसे कम कैटेगरी, मतलब जो पोस्टें सबसे लो लेवल की थी, यानी कि कम से कम ये जो थी प्लाटून कमांडर की है। प्लाटून कमांडर में कम अंक चाहिए थे और सूबेदार में सर्वाधिक अंक, सबसे कम अंक प्लाटून कमांडर में, सबसे सर्वाधिक अंक सूबेदार में। इसलिए दोनों को लिया है ताकि कम से कम भी आपको पता चल जाए कि कम से कम कितने में सिलेक्शन हुआ है और अधिक से अधिक भी आपको पता चल जाए। तो देखिए, यदि हम सूबेदार की पोस्ट की बात करें, अगर आप सूबेदार की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इस बार सूबेदार की पोस्ट है नहीं, इस बार जो पोस्ट सर्वाधिक है वो सब इंस्पेक्टर जिला बल की पोस्ट सर्वाधिक है, वही पोस्ट मुख्य है। तो यहां पर चूंकि, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा साहब, सूबेदार की पोस्ट नहीं तो पिछली बार का सूबेदार का आपने कट ऑफ क्यों ले लिया। कट ऑफ सूबेदार का हमने इसलिए लिया है कि चूंकि सूबेदार की पोस्ट नहीं है, तो अब ये वैकेंसियां, यानी कि पिछली बार जो सूबेदार सिलेक्ट हुए थे, अब वो किसमें सिलेक्ट होंगे, यानी कि वो कैटेगरी किसके साथ चली जाएगी,
जिला पुलिस बल के साथ चली जाएगी एसआई के लिए। तो इसीलिए सबराजिक हमने दोनों चीजों को यहां पर काउंट किया है और इस बार प्लाटून कमांडर की पोस्ट है ही नहीं, लेकिन उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि कम से कम कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट राउंड 163.81 अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उनको फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया था किसमें, सुबेदार में, और फाइनली उनको कितने बुलाया था, फाइनल जो कट ऑफ गया था 172.60 जिन्होंने अंक प्राप्त किए था उनका फाइनल सिलेक्शन सुबेदार में हो गया था। ओपन की बात हम कर रहे हैं, वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 151.54 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था फिजिकल के लिए और 159.20 पे हो गया था सिलेक्शन। वहीं ओबीसी की बात करें तो 161.47 अंक जिनके द्वारा प्राप्त किए गए थे उनको बुलाया गया था फाइनल्स के लिए और फाइनल में जो सिलेक्शन हुआ था 159.42 पर। वहीं फीमेल्स की बात करें ओबीसी में हम तो 151.56 अंक जिनके द्वारा प्राप्त किए गए थे उनको बुलाया गया था फर्स्ट राउंड के लिए और 158.63 अंक जिन्होंने प्राप्त किए थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसमें इंटरव्यू में 10 नंबर का इंटरव्यू था, उसके भी अंक इसमें काउंट हुए हैं। चलिए 10 में से किसी को 7 आए, किसी को 6 आए, किसी को 5 आए, इसी तरह से अंक प्राप्त हुए। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिनको 153.52 अंक जिनको प्राप्त, माफ कीजिएगा, एससी में जिनको ओपन कैटेगरी में 153.52 अंक जिनको प्राप्त हुए उनको बुलाया गया था फर्स्ट राउंड के लिए यानी फिजिकल के लिए और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था 162.34% अंक पर हुआ था। वहीं महिलाओं की बात करें तो 143.54 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था फर्स्ट राउंड के लिए और फाइनल सिलेक्शन हुआ था 156.65 पर। वहीं एसटी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में एसटी में 141.52 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था और 147.47 जिनको अंक प्राप्त हुए थे उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ था। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें महिलाओं की तो 131.44 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया था फर्स्ट राउंड के लिए और 138.65 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनका हुआ था फाइनल सिलेक्शन। तो ये तो बात हुई हमारी सुबेदार के पद के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे छोटा पद जो था वो था प्लाटून कमांडर, लेकिन प्लाटून कमांडर सिर्फ और सिर्फ किन के लिए उपस्थित था, पुरुषों के लिए, यानी महिलाओं के लिए प्लाटून कमांडर के लिए स्पेशल आरक्षण उसमें नहीं दिया गया था। इसलिए हम महिलाओं के अंकों को कौन से अंक लिए हैं, हमने महिलाओं के लिए जो सबसे छोटी पोस्ट उस समय थी वो थी हमारी सुबेदार एसआई, माफ कीजिएगा सुबेदार नहीं एसआई, यानी कि सब इंस्पेक्टर जिला बल, सब इंस्पेक्टर जिला बल सबसे छोटी पोस्ट थी तो उसके अंक हमने महिलाओं के लिए लिए हैं। तो ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एसआई के अंक है, ये एसआई के, बाकी ये जो है प्लाटून कमांडर के हैं क्योंकि सबसे कम अंक प्लाटून कमांडर में जिनके कम अंक आए थे उनको प्लाटून कमांडर मिल गया था। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड 153.61 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उन्हें फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया था अंडरडर्म कैटेगरी में और 163 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था फाइनल में। वहीं महिलाओं की बात करें 136.26 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनके फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया था और 138.26 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वहीं ओबीसी की बात करें तो 152.52 अंक जिनको प्राप्त हुए थे, 0 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था फर्स्ट राउंड के लिए यानी फिजिकल के लिए और 161.71 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वहीं बात करते हैं हम महिलाओं की 142.47 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था उसके लिए फिजिकल के लिए और 149.77 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको फाइनली सिलेक्शन का हो गया था। वहीं एससी कैटेगरी में ओपन वर्ग की हम बात करें तो 141.95 अंक जिनको प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था और 147.77 अंक पर उनका सिलेक्शन हो गया था। वहीं फीमेल्स की बात करें एससी के अंदर तो 127.97 अंक जिनके प्राप्त हुए थे उनको बुलाया गया था और 132 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। एसटी कैटेगरी में ओपन वर्क की बात करें तो 125 में बुलाया गया था, 125.29 अंक जिनके प्राप्त हुए थे, 132.33 अंक जिनके प्राप्त हुए थे उनको फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वहीं एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करें महिला वर्ग की यानी कि फीमेल्स की तो 117.71 पर बुलाया गया था और 120.85 पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो यहां हम अब दो चीजों पर ध्यान देंगे, फाइनल्स पर ध्यान देंगे, फर्स्ट पे ध्यान नहीं देंगे। फाइनल्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज आपके पाएंगे, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और
ओपन वर्ग से हैं, तो कम से कम कितने अंक आपको प्राप्त करने चाहिए थे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो 163 अंक कम से कम। और अधिक से अधिक सबसे बड़ी पोस्ट के लिए कितने अंक आपको चाहिए, 172.60 अंक। ये सबसे बड़ी पोस्ट के लिए चाहिए थे, ये सबसे छोटी पोस्ट के लिए चाहिए थे। तो अब हमें एक चीज यहां पर, लेकिन पिछली बार अंतर क्या था, पिछली बार जो थी 863 पोस्ट थी, इस बार पोस्ट कम है, पोस्ट कितनी है 611 है, यानी कि कितनी कम पोस्ट है, 252 पोस्ट कम है। लगभग 30% पोस्ट जो है इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम है। तो इस बार कट ऑफ कम होगा या हाई जाएगा, यदि पेपर का लेवल सेम रहता है तो कट ऑफ जो होगा वो हाई रहेगा, यानी कुछ अंक उसमें लगभग 30% अंक उसमें बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट हमारे पास पिछली बार की अपेक्षा कम है। तो यदि हम इसको प्रोजेक्शन करके चले, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देखिएगा, यहां मैं आपको प्रोजेक्टेड बताऊंगा कि कितने कम से कम अंक आपको प्राप्त करने हैं। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि भाई छोटी से छोटी पोस्ट के लिए फाइनली 163 अंक पे अगर आप ओपन कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ, तो मेरा मानना यह है कि कम से कम आपको 165 अंक चाहिए, कम से कम 165 छोटी से छोटी पोस्ट के लिए आपको प्राप्त करने के लिए, अपना जो सिलेक्शन पक्का करने के लिए, मैं बात कर रहा हूं पक्का करने की, फाइनल की बात कर रहा हूं, इतने अंक आपको चाहिए। अब इसमें से आप हटा सकते हैं, कौन से अंक हटा सकते हैं, इसमें से आप 10 अंक का जो फिजिकल होता है उसमें 10 अंक का जो इंटरव्यू होता है उसमें से आप माइनस कर लें 4-5-6 अंक, यानी 160 अंक आपको रिटर्न में कम से कम 160-162 अंक चाहिए होंगे। लेकिन चूंकि पोस्ट इस बार कम है तो आप 165 अंक मानकर चलें कि आपको 65 अंक चाहिए होंगे। उसी तरह से अधिकतर यदि आपको जो मेन पोस्ट है वो अगर उसमें जाना है तो कम से कम 165 से लेके यहां पर आप देख रहे हैं 172 है, तो लगभग 175 के बीच में अगर आपके अंक हैं तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपका सिलेक्शन जो है लगभग लगभग पक्का हो जाता है, प्रश्न अगर प्रश्न पत्र इसी स्तर का आता है। वहीं यदि हम बात करें फीमेल कैटेगरी, तो कम से कम कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, 138.26, तो कम से कम आपको 140 अंक चाहिए, और अधिक से अधिक की हम बात करें तो 160 या 165 अंक के बीच में आप अच्छे से अच्छी जो पोस्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं हम ओबीसी की बात करें, ओपन कैटेगरी की बात करें, ओबीसी में ओपन कैटेगरी वाले भाई हमारे सुन लें, कम से कम 161 अंक पर उनका सिलेक्शन हुआ, तो कम से कम इस बार जो है 163 अंक तो आपको चाहिए ही चाहिए हैं, और अधिकतम अंक कितने चाहिए, 172 या 173, इतने अंक कम से कम आपके पास होना चाहिए पोस्ट प्राप्त करने के लिए। वहीं महिलाओं की बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो पिछली बार जो कम से कम सिलेक्शन हुआ था 149 पे सिलेक्शन हुआ था, तो 151 अंक इस बार कम से कम चाहिए होंगे, और 151 अधिकतम जो है 160 अंक के बीच में, 161 अंक के बीच में होना चाहिए आपके पास। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी में ओपन वर्ग की बात करें, तो एससी कैटेगरी में ओपन वर्ग में पिछली बार जो कम से कम सिलेक्शन हुआ 147 पर सिलेक्शन हुआ था, तो आपको कम से कम 150 अंक होना चाहिए, अधिकतम 165 अंक, इसके बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी फाइनल महिलाओं की बात करें एससी कैटेगरी के अंदर, तो कम से कम 132 पर सिलेक्शन हुआ, तो कम से कम इस बार आपको 135 अंक चाहिए होंगे, वहीं अधिकतम अंक 160 के बीच में आपको चाहिए होंगे। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, ओपन वर्ग की बात करें, तो ओपन वर्ग यानी लड़कों के लिए जो कम से कम अंक है 132, यानी कि 135 अंक आपको प्राप्त करने होंगे, और मैक्सिमम पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था वो 147 पे हुआ था, तो कम से कम 150 अंक तो आपके होने ही चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी में बात करें, पिछली बार जो कम से कम 120 अंक प्राप्त हुए थे, तो कम से कम इस बार 125 अंक आपके पास होने चाहिए, और अधिकतम 138 पे सिलेक्शन हुआ था, तो 140 अंक आपके पास होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप सिलेक्शन करना चाहते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, पुरुष वर्ग में है, तो फाइनली आपको कम से कम 165 प्लस अंक चाहिए, तब आपको सीट प्राप्त होने वाली है। वहीं अगर आप महिला वर्ग से हैं, तो कम से कम आपको 140 अंक प्लस चाहिए, तब आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा। वहीं आप ओबीसी में हैं, ओबीसी के अंदर आप अगर आते हैं, तो 163 प्लस अंक आपको चाहिए कम से कम, तब आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होगा। वहीं यदि आप महिला वर्ग से हैं ओबीसी के अंदर, तो 151 प्लस अंक आपके पास होंगे, तब आपका सिलेक्शन जो है पक्का रहेगा। वहीं अगर आप एससी वर्ग से हैं, पुरुष हैं और एससी वर्ग से, तो 150 अंक आपको कम से कम चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। वहीं अगर आप महिला वर्ग से हैं एससी वर्ग में, तो 135 प्लस अंक आपको कम से कम चाहिए होंगे। अगर आप एसटी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग में कम से कम आपको जो है
35 प्लस अंक आपको चाहिए होंगे, और एसटी वर्ग में आप महिला हैं तो कम से कम 125 या प्लस अंक आपको चाहिए होंगे आपके सिलेक्शन के लिए। ये डिपेंड करता है, अगर पेपर का स्तर यही रहता है, पेपर का स्तर अगर और कठिन हो जाता है तो इन अंकों में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, वहीं अगर पेपर और टफ हो जाता है पिछली बार की अपेक्षा तो ये अंकों में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पिछली बार की तरह पेपर रहता है तो ये कम से कम आपको अंक प्राप्त करने होंगे। इसके बाद एक और वीडियो हम लेके आएंगे कि आखिरी की ये 30 से 35 जो बचे हुए दिन है, आप इन 30 से 35 बचे हुए दिनों का किस प्रकार से उपयोग करें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। इस चीज को आप बहुत अच्छे से यहां तक आप देख लें और समझ लें, आपकी तैयारी को आप परख लें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कैसे इन अंकों को प्राप्त किया जाए। आप उसके लिए इन अंतिम 30 दिनों में रणनीति बना लें। आपकी रणनीति को और सरल करने के लिए हम इसके बाद एक और वीडियो लेके आएंगे, तो वो ये वीडियो और वो वीडियो दोनों आप बहुत ध्यान से देखें। और आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। आई होप कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बात समाप्त। जय हिंद, जय भारत।